हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फर्स्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज है दिनांक 8 अगस्त 2022 और आज हम पॉलिटिकल विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में चर्चा करेंगे। भारतीय राज व्यवस्था में किस प्रकार से व्यवस्थाएं की गई हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे छोटे छोटे टॉपिकों के माध्यम से राष्ट्रपति के पद के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा निर्वाचन प्रक्रिया। तो निर्वाचन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है राष्ट्रपति की, वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं किए जाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है। इसके बाद में दूसरा जो टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति के टॉपिक का, वो रहेगा महाभियोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाकर उसे पदच्युत या पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। इसके बाद में अगला टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति के कार्य व शक्तियाँ। सबसे पहले कार्यपालिका संबंधी शक्ति है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व उनको पदमुक्त करना, शासन संचालन संबंधी शक्ति, सैनिक क्षेत्र में शक्ति और इसके बाद में ये सब महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं वो राष्ट्रपति को मजबूत बनाती हैं। विधायी शक्तियों की बात करें तो विधायी क्षेत्र का प्रशासन, सदस्यों का मनोनयन, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये सारे जो मुख्य शक्तियां हैं वो विधायी शक्तियों में आती हैं। इसके बाद में अगला है वो संकटकालीन शक्तियों की चर्चा करते हैं। संकटकालीन शक्तियों के लिए राष्ट्रपति हैं वो युद्ध के समय शक्ति रखते हैं, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित संकटकालीन व्यवस्था का अनुच्छेद 352 में वर्णन किया गया है। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफुल होने से या जो संवैधानिक तंत्र है उसका असफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था अनुच्छेद 356 में इसकी व्यवस्था की गई है। वित्त या आपातकाल के समय राष्ट्रपति है वो अपनी शक्ति का प्रयोग करता है और ये अनुच्छेद 360 में वर्णित है। इसके बाद में दूसरे टॉपिक में हम चर्चा करते हैं उपराष्ट्रपति जी के बारे में। उपराष्ट्रपति जी के बारे में मुख्यतः तीन बातें हैं जो छोटे रूप में हमें समझाते हैं। सबसे पहले हम उपराष्ट्रपति जी के बारे में चर्चा करें तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है। कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, किंतु वह स्वेच्छा से त्यागपत्र द्वारा इस अवधि के पूर्व भी अपना पद छोड़ सकता है अथवा उसे राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा पास किया गए प्रस्ताव से, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और उनके कार्यों की चर्चा करें तो यदि कभी राष्ट्रपति रोग अथवा अनुपस्थिति के कारण अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति ही उसके स्थान पर कार्य करता है। आगे हम बात करें प्रधानमंत्री जी के बारे में। प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो हमारे संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। इसमें हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति, लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है। वेतन एवं भत्ते की बात करें तो प्रधानमंत्री को वही वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं जो संसद के सदस्यों को प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ, मंत्रिपरिषद का निर्माण करना, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा और विभाग परिवर्तन, लोकसभा का नेता, राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करना, देश के सर्वोच्च नेता तथा शासक के रूप में कार्य,
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करना, ये सारे कार्य होते हैं वो प्रधानमंत्री जी के होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो कार्यकाल रखने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे। इसके बाद में हम आगे देखें, डॉक्टर वीवी गिरी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी, मतलब दूसरे राउंड का उपयोग भी किया गया था। इसके बाद में आगे देखें, डॉक्टर वीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला थे। जी एस पाठक, बी डी जत्ती, एम हिदायतुल्ला और कृष्णकांत राष्ट्रपति पद पर पदोन्नति न पाने वाले उपराष्ट्रपति रहे। डॉक्टर कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ था। इसके बाद में आगे देखें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई थे। सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। सबसे छोटे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जिनका कार्यकाल 13 दिन का था।